देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। प्रदेश की योगी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद शिक्षा विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार में लगातार शिक्षा विभाग पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। मामला रायबरेली जिले के विकासखंड क्षेत्र महाराजगंज के ग्राम सभा मोन के गांव लालगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय में सुविधाओं का अकाल है। विद्यालय की बाउंड्री वॉल टूटी है, सफाई कर्मी आज तक विद्यालय नहीं पहुंचा और शौच के लिए छात्र छात्राओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बच्चे खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। जर्जर भवन के कमरों में बैठकर पढ़ाई करते 65 छात्र छात्राओं की जिंदगियां खतरे में हैं, जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौन है, इस ओर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। जबकि विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नीलिमा श्रीवास्तव ने कई बार उच्च अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नीलिमा श्रीवास्तव ने मीडिया को दिए गए बयान में बताया है कि विद्यालय की बाउंड्री वॉल पूरी तरह से टूट चुकी है। विद्यालय भवन जर्जर है, कमरों की फर्श टूट कर जमीन में धस चुकी है और पहले शौचालय पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से विद्यालय में पढ़ रही लड़कियां खुले में शौच करने को मजबूर है। जो मैं महाराजगंज के मोन में प्राथमिक विद्यालय लालगंज में, इमारत उसकी जर्जर है और वहां पर सफाई की व्यवस्था नहीं है। तकरीबन 65 बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी जिंदगियां खतरे में हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, यहाँ पे जो है सफाई कर्मी कभी नहीं आता है, केवल जब से हुए हैं केवल 2 बार आया हुआ है जी। और लैट्रिन बाथरूम हमेशा गंदा रहता है, इसलिए बाहर बच्चे जो है बड़े हैं, 5वीं क्लास की लड़कियाँ बड़ी हैं, बाहर जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए, कभी भी कोई समस्या हो सकती है जी। इसलिए जो है ये सफाई तो होनी चाहिए, टॉयलेट अच्छे से बनना चाहिए। और अभी जुलाई में बारिश के कारण ये बाउंड्री वॉल गिर गई है जी, जिससे कुछ सफाई हो नहीं पाती। जो होती है तो जानवर चढ़ जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जानवर चढ़ जाते हैं, बाउंड्री वॉल नहीं है जी। तो किसी शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को इसकी जानकारी दी आपने? जी, मैंने अभी जब ये वॉल गिरी थी तब प्रधान को कहा था और जो है ऑफिस में भी इनको सब दे चुके हैं, एप्लीकेशन दे रखी है। किसको बताया आपने, शिक्षा विभाग में किसको बताया है बात? हमारे जो है एसटीआई साहब को बताया। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कभी भी हादसे का शिकार हो सकती हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की होगी। प्रधानाध्यापिका नीलिमा श्रीवास्तव ने बताया कि लालगंज निवासी कमलेश सिंह ने पूरी तरह से विद्यालय प्रांगण में अतिक्रमण कर रखा है। कमलेश सिंह के द्वारा विद्यालय प्रांगण में ट्रैक्टर, ट्रॉली, कल्टीवेटर, रोटावेटर, फ्रेशर खड़ा करके रखते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और विद्यालय प्रांगण में खड़े आम, जामुन, महुआ के पेड़ जब कभी भी बारिश या तेज़ हवा में गिरते हैं तो वो उन्हें काट कर अपने घर ले जाते हैं। प्रधानाध्यापिका के लाख मना करने पर भी वो नहीं मानते, उल्टा उन्हें धमका कर बोलते हैं कि विद्यालय उनकी ज़मीन में बना हुआ है, जिसकी शिकायत भी प्रधानाध्यापिका ने कई बार उच्च अधिकारियों से की, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह ने मीडिया को दिए बयान में बताया कि ग्राम सभा के खाते में पर्याप्त धन न होने के चलते वो विद्यालय का कायाकल्प करवाने में असमर्थ हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो अधिकारियों से बात करके विद्यालय के कायाकल्प के लिए प्रस्ताव करेंगे और धन स्वीकृति होने पर ग्राम सभा द्वारा विद्यालय का कायाकल्प करवाएंगे। वहीं तेज तर्रार उप जिलाधिकारी शालिनी प्रभाकर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि वो खुद जाकर विद्यालय का निरीक्षण कर उचित कार्रवाई करेंगी। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।